What the tech is going on friends, मेरा नाम है विकी डिकोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइस मेरी क्रिसमस, और बहुत ही अजीब बात है कि देखते देखते साल बीत चुका है, सिर्फ 7 days ही बचा हुआ है। लेकिन मैंने क्या प्लान किया कि मैंने सोचा क्यों ना कुछ टेक यूट्यूबर्स के साथ जो कि हिंदी में वीडियो बनाते हैं, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाते हैं, उन सबके साथ एक कोलैब करें और हम सब मिलकर बताएंगे कि क्या है 2017 में हमारा फेवरेट गैजेट। और यहाँ पर कोई भी स्मार्टफोन नहीं होने वाला है दोस्तों, और आप इस वीडियो को जरूर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप? मेरा नाम है सॉरी फ्रॉम टेक टू रिच। तो गाइस मेरा जो बेस्ट पिक है वो है आपका ये प्रोकस का एक्शन कैमरा। 7000 रुपीस के अंडर आता है और काफी ज्यादा हैंडी और काफी ज्यादा यूजफुल है सेफ्टी रीजंस के हिसाब से। आप इसे गिफ्ट कर सकते हो किसी भी लव्ड वन को, और कैसे यूजफुल है मैं बताता हूँ आपको। ये जो कैमरा है बहुत छोटा है और आपके कार के डैशबोर्ड पे लग सकता है आराम से। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, खुदा ना खास्ता कुछ चीज हो जाए, तो उस समय के मूवमेंट को एज ए एविडेंस कैप्चर करने के लिए आपको कोई DSLR या फिर मोबाइल कैमरे की जरूरत नहीं है। आप इस कैमरे को लगा दीजिए अपने डैशबोर्ड के ऊपर कार के, और ये लगातार रिकॉर्ड करता रहेगा उस मोमेंट्स को, और उसके एज ए एविडेंस आप बाद में यूज कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होगा सेफ्टी रीजंस के हिसाब से। Hey guys, I'm Kunal from Tech4Mob. आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा फेवरेट गैजेट 2017 का, और वो है ये प्रोकस के वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे इसकी रबराइज बिल्ड क्वालिटी, ये काफी कंफर्टेबल फील होते हैं जब भी मैं इनको वेयर करता हूँ। स्पेशली मैं इसको जिम में पहनता हूँ, तो अगर कभी स्वेट भी चला जाए ईयर कप्स के अंदर, तो ये जो ईयर कप्स है इनको आप निकाल के कभी भी वॉश कर सकते हो। अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हो और जॉगिंग करते हो, तो जितना मर्जी आप भाग लो ये अपनी जगह से नहीं हिलते। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चार्जिंग पॉइंट के साथ में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक दिख रहा होगा, जिसके अंदर आप ऑक्सिलरी केबल लगा के कभी भी इसकी अगर बैटरी लो होती है तो आप ऑक्स लगा के भी अपना म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो। उसके ऊपर नॉर्मल से 3 पावर ऑन ऑफ के बटन है, वॉल्यूम इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज के बटन दिए गए हैं। सो दैट्स इट गाइस, ये थे मेरे कुछ क्विक रीजंस कि मुझे ये हेडफोन्स क्यों पसंद है। आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। Hey guys, this is Debate 30 and in this video I'll talk about my favorite gadget of 2017. इस साल मेरा जो favorite gadget है वो है Samsung का ये EHS64 headphone। तो ये headphone को मैं 300 रुपीस में Flipkart से purchase किया था, मुझे Amazon में ये नहीं मिला, तो इसका price बहुत ज़्यादा fluctuate करता है। कभी कभी इसका price हो जाता है 350 रुपीस, कभी कभी 400 रुपीस भी हो जाता है। तो क्यों ये हेडफोन मुझे पसंद है? वेल, इस साल मैंने बहुत सारे हेडफोन परचेस किया है, जैसे कि ऑडियो टेक्निका ATI CLR 100, जिसका प्राइस है ऑलमोस्ट 800 रुपीस, एंड मेरे पास JBL T150A भी है जिसका प्राइस है 800 रुपीस। मैंने सिनहाइजर CX180 को भी यूज किया है, लेकिन ये 300 रुपीस का सैमसंग का हेडफोन वो सब 1000 रुपीस का हेडफोन को भी टक्कर दे सकता है। एंड मेरे ख्याल से मेरा जो ऑडियो टेक्निका ATI CLR 100 है उससे भी बढ़िया है ये 300 रुपीस का हेडफोन। इस हेडफोन का साउंड क्लियरिटी एंड क्वालिटी जस्ट अमेजिंग है, एंड इसका बेस भी काफी बढ़िया है, एंड मेरा ऑडियो टेक्निका से भी ज्यादा अच्छा है इसका बेस। एंड ये हेडफोन मेरा प्राइमरी हेडफोन है फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, एंड इसमें आपको वॉल्यूम अप डाउन की मिलता है, एक म्यूजिक प्ले पॉज बटन में मिलता है, एंड उस बटन में अगर आप 3 बार प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्रीवियस ट्रैक में जाएगा, एंड अगर आप डबल टैप करेंगे तो म्यूजिक नेक्स्ट ट्रैक में जाएगा। यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन होल भी मिलता है, तो ये रियली एक ग्रेट हेडफोन है जो आपको एक बार जरूर से ट्राई करना चाहिए। Hey, what's up guys? Sonu here. और 2017 में जो मैंने बेस्ट टेक प्रोडक्ट बाय किया है वो है ये एयरफोन, जो है JBL का एयरफोन। और बात करूं बेस्ट बजट एयरफोन की under 1K, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि मैं पर्सनली इसे पिछले 3 महीनों से यूज कर रहा हूं, और जो इसका ऑडियो आउटपुट है वो काफी अच्छा है, क्योंकि इस एयरफोन में आपको इसका बेस और ऑडियो आउटपुट काफी अच्छा मिलता है। इस एयरफोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, जहाँ पे आपको नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाता है, और साथ में इस एयरफोन में आपको एक माइक्रोफोन भी मिल जाता है, और इसके पीछे आपको एक बटन मिल जाएगा जहाँ से आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं और कट कर सकते हैं, और साथ में आप इस बटन को यूज करके ऑडियो को प्ले एंड पॉज भी कर सकते हैं, और इस बटन पे डबल क्लिक करके आप इसके ऑडियो ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। सो ओवरऑल बात करो एक बेस्ट बजट एयरफोन की, तो आप इस एयरफोन को बाय कर सकते हैं 700 रुपीज में अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा ईयरफोन का रिव्यू, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं या टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है टेक मुंबई का। दैट्स मी सोनू साइनिंग ऑफ।
तो दोस्तों मेरा फेवरेट गैजेट 2017 में है Honor Band 3, और मैं आपको बोल भी नहीं सकता कि ये मेरे लाइफ के साथ कितना ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। ये मेरा डेली ड्राइवर है, ये एक नॉर्मल फिटनेस ट्रैकर के तरीके से तो काम करता ही है। साथ में इसमें आपको एक बेसिक क्लॉक मिल जाएगा, डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, साथ में इसमें आपको बहुत ही एक एक्यूरेट पेडोमीटर, स्लीप ट्रैकर, हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है। एंड इवन दोस्तों आप इसमें आपके फेवरेट व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल, फेसबुक मैसेंजर के सारे मैसेजेस पढ़ सकते हैं। ये ओवरऑल बैंड का डिज़ाइन और डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, बैंड काफ़ी सॉफ्ट है, एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि इससे अच्छा बैंड इस प्राइस रेंज में नहीं हो सकता। और प्राइस के बारे में बात करें तो इंडिया में इसका प्राइस है करीब अमेजोन में 4000 रुपये इसके आसपास, लेकिन अगर आप इसको गियर बेस से परचेस करेंगे तो ये आपको कुछ 2400 रुपये इसके आसपास मिल जाएगा। सो डेफिनेटली आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मी बैंड 2 से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है और इसमें आपको करीब 14 से 15 दिन की भी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सारे यूट्यूबर्स को जाके सब्सक्राइब कीजिए, सारे लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और दोस्तों प्लीज़ अगर आप नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में, एंड पीस।